हेलो दोस्तों, तो स्वागत है इस चैनल पे आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आईपीएल में अगर आप लोग मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आईसीसी ने जो है वो वर्ल्ड कप 2020 को कैंसिल करके आईपीएल के लिए बहुत ही बड़ा विंडो खोल दिया है और अब आईपीएल होने की पूरे आसार है, जो कि आईपीएल सितंबर के महीने में होने वाला है। और दोस्तों, आईपीएल 2020 सितंबर के महीने में यूएई में खेला जाएगा, वो लगभग 100% कन्फर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी, जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है इंटरनेशनल में, उन्होंने आईपीएल 2020 में खेलने से मना कर दिया है। दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है ट्रेंट बोल्ट, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है और इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 वनडे गेंदबाज है। और दोस्तों, उन्होंने आईपीएल 2020 में खेलने से मुंबई इंडियंस को साफ मना कर दिया है कि वो इस साल के आईपीएल में अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब दोस्तों, देखते हैं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह दोस्तों कोई भी इंजरी नहीं है। ट्रेंट बोल जो है वो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल जो है वो अपनी फैमिली इश्यू की वजह से इस वक्त आईपीएल में खेलने से मना कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रेंट बोल जो कि कोविड-19 के बढ़ते कहर की वजह से वो बोल रहे हैं कि वो इस साल आईपीएल में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने ट्रेंट बोल से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे टीम के कैंप के साथ जुड़ जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंट बोल ने साफ मना कर दिया और उन्होंने बताया कि मेरा इस साल खेलना शायद मुमकिन नहीं होगा। ट्रेंट बोल्ट, जिसको मुंबई इंडियंस ने इस साल दिल्ली कैपिटल से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में शामिल किया था, तो दोस्तों अगर ट्रेंट बोल्ट 2020 के आईपीएल में नहीं खेलते तो मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि लसित मलिंगा की अब उम्र हो गई है और T20 में अब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। तो दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट के जाने से अब मुंबई के गेंदबाजी अटैक में काफी असर पड़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए।